चूहे और पिजन दोनों साथ साथ में, हर जगह चूहे ही चूहे। और अगर आपको चूहों से ज्यादा पड़ती नहीं है तो रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग ओवर हियर। मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार आप सभी को गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। सुप्रभात, बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग आपको यहाँ से नापा शेर राजस्थान से। तो आप ये पीछे देख रहे हो तो ये हमारा स्टे था कम्युनिटी सेंटर, और अभी हम सीधा का सीधा जा रहे हैं टूवर्ड्स जोधपुर। बीच में हमारा स्टॉप होगा करनी माता मंदिर में, जो मैं बहुत टाइम से देखना चाहता था, बट आज वो पूरा हो रहा है। जो आपने सुना होगा काफ़ी फेमस रैट्स, मतलब वहाँ पे रैट्स को पूछते हैं या फिर रैट्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं वहाँ पे, वैसा सीन है। तो ओवरऑल इट्स गोना बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग सीधा के सीधे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और हमारे बटले भाई साहब भी आगे पहुँच चुके हैं। बटले बटले आई कर दो ब्लॉग को। तो भरत की शादी करनी माता मंदिर, बिकॉज इट हैज एब्सोल्युटली लोड्स ऑफ रैट्स। So I'll be expecting a हिंदी में बोलो बेटा। अबे हिंदी ब्लॉग है। एक तो एटलीस्ट मैं व्हाइट वाला एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं यार, व्हाइट वाला चूहा दिख जाए अच्छा। व्हाइट वाला, हां मैंने बताना भूल गया आपको कि अगर व्हाइट वाला चूहा दिख जाए तो अगर आप उससे मन्नत मांगते तो ऐसा लोग यहां पे लोकल पॉपुलेशन मानती है कि आपके जो भी आपने मांगा वो पूरा होता है। तो देख लीजिए, अगर आप करनी माता मंदिर आ रहे हो तो डेफिनेटली डू कीप दैट इन माइंड कि इफ यू सी अ व्हाइट राइट जस्ट आस्क समथिंग एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी डन। बस अभी चलेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर रवाना होंगे टूवर्ड्स जोधपुर। हाँ गप्पू, हाँ जी, आज हम आए हैं करनी माता करनी माता मंदिर के यहाँ, जो बहुत ही फेमस है फॉर रैट्स। ठीक है, हाँ भाई राम, हाँ भाई, हेलो, कैसा लग रहा है देशनोक करनी माता मंदिर में? एक नंबर, पहले अंदर जाएंगे फिर देखेंगे। ये देख रहे हो पीछे बिल्कुल पिंक वॉल्स के साथ, और ओ हो हो देख रहे आर्किटेक्चर देख भाई साहब। हम जा रहे हैं सफेद चूहे की खोज में। सफेद चूहा मिल जाए तो बढ़िया, जो जिनको जिस चीज पे आस्था है बिल्कुल रखे आप, अगर उससे अच्छा हो रहा है तो आस्था आस्था रखनी चाहिए, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये चूहे आपको यहाँ पे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बड़ा भी हम नहीं ले रहे कुछ। अच्छा तो ये देख रहे हो आप, ये है फ्रंट माता जी मंदिर का, और दैट लुक्स प्रेटी गुड, और काफी एंशिएंट लग रहा है देखने में तो वैसे। सो ये एंट्रेंस है आपके यहाँ, और बाकी कहीं प्रसाद ले सकते हो बाहर। देख रहे हो गाइस, चूहे शुरू हो गए, चूहे और पिजन दोनों साथ साथ में, हर जगह चूहे ही चूहे। इनके यहाँ मौत चल रही है। अच्छा गाइस, अंदर जाना हो, फिल्म करना हो ना आपको अंदर मंदिर में, ये छोटा सा टिकट लेना है 30 रुपये का। हाँ भाई बटले, अबे मानते हैं ना कि ये जो थे ना स्पेशली चूहे, ये कुछ डिसेंडेंट्स थे, जो मैं एग्जैक्टली हिस्ट्री पढ़ी नहीं है क्या था चूहों का, जो हिस्ट्री था कि किसी जो है वॉरियर प्रिंसेस की किसी के जो बेटे मर गए थे ना वॉर में, कुछ ऐसा था कि उनके रीइन्कार्नेशन है, कुछ ऐसा था। मैं एग्जैक्टली पूरा मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, बट यही था कुछ स्टोरी। इतना बता सवाली वो तो है। तो गाइस कुछ हिस्ट्री ऐसा है कि करनी माता जी को एक्चुअली रीइंकार्नेशन माना जाता है गॉडेस दुर्गा का, और ये लेट 1300s में पैदा हुई थी जोधपुर के आसपास। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके स्टेपसन जो है वो वेल में जो है मतलब किसी कुएं में मर जाते हैं, तो उन्होंने यमराज से रिक्वेस्ट करा कि उनके बेटे को जिंदा कर दें, तो उन्होंने उनको रैट्स के रूप में पैदा करवाया था, तो इसलिए वहाँ पर रैट्स को काफ़ी पूजते हैं। और अभी तक सबसे एस्टोनिशिंग चीज़ ये है गाइस कि अभी तक कोई भी वहाँ पर बीमारी नहीं हुई रैट्स से, तो लोगों की आस्था ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई। गाइस ओवरऑल आप अगर पूछो तो कुछ लोगों को ओवरवेलमिंग लग सकता है क्योंकि काफ़ी सारे चूहे हैं, और अगर आपको चूहों से ज़्यादा पड़ती नहीं है तो I would say just refrain from coming over here. But overall, अगर आप आस्था के सेंस में देखो और उस सेंस में देखो, I think it's pretty good. It's a beautiful temple. It's an old temple, really old temple. और yeah, you can pay a visit once. उसके अलावा तो क्या ही बोलूँ। बस अभी छोटा सा स्टॉप लिया था, वापस निकल रहे हैं हम। रामू कहाँ?
जोधपुर जोधपुर जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं शादी में, ठीक है, भरत की शादी में, बस चलो करनी बात जी, धन्यवाद। छोटा सा अपडेट, तो करनी माता में काफ़ी अच्छा दर्शन के बाद अभी हम बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर बिटवीन बीकानेर और जोधपुर। सो अगर आप नॉर्मली गाड़ी के साथ आ रहे हो तो रोड्स तो यार बहुत ही फाड़ रोड बनाई है, मतलब राजस्थान में मेरे को एक परसेंट से पहले ही पता था कि रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इतने अच्छे हैं वो तो आपको पता ही चल जाएगा, लाइक स्पॉटलेस बिल्कुल, कहीं पे भी ज़रा ज़रा से कहीं पैच वर्क है बट रोड्स बहुत सी हैं, तो रोड ट्रिप करने के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। सो उसके अलावा तो क्या है, अभी पूरा डेजर्ट एरिया ही है, इट्स ड्राई बट वैसा ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है, तो अभी बस में भी एक घंटे में पहुँच जाएंगे जोधपुर, उसके बाद देखेंगे।